स्वामीनारायण हरे वचनामृत लोया प्रकरण नु नवमो धर्माधिक चार ने उपजाना हेतु नु स्वामीनारायण हरे संवत 1877 ना माक्षर सुधी छठने दिवस श्रीज महाराज गाम श्री लोया मध्य सुरा भक्तना दरबार में विराजमान हता ने दोड़ी छींटनी डगली पहरी हती तथा दोड़ो सुरवार पहरियो हतो तथा दोड़ो फेंटो मस्तके बांध्यो हतो ने पोताना मुखारविंदनी आगळ परमहंस तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भराईने बैठी हती। पछी श्रीजी महाराज बोल्या, जे सर्वे परमहंस परस्पर प्रश्न उत्तर करो। त्यारे आत्मानंद स्वामीए अखंडानंद स्वामी ने प्रश्न पूछो, जे वैराग्य ज्ञान भक्ति अने धर्म ए चार ने उपजानो हेतु शो छे। पछी तेनो उत्तर श्रीजी महाराजे कर्यो, जे वैराग्य तो एम उपजे जे जो काळनु स्वरूप जाण्यामां आवे। ते काळनु स्वरूप ते शुं? तो नित्य प्रलय ने जाणे, नैमित्तिक प्रलय ने जाणे, प्राकृत प्रलय ने जाणे अने आत्यंतिक प्रलय ने जाणे तथा ब्रह्मादिक स्तंभ पर्यंत सर्व जीवना आयुष ने जाणे अने एम जाणीने पिंड ब्रह्मांड सर्व पदार्थ ने काळनु भक्ष्य समझे त्यारे वैराग्य उपजे। ज्ञान तो एम थाय जे जो बृहदारण्य छांदोग्य कठवल्ली आदिक जे उपनिषद तथा भगवद गीता तथा वासुदेव महात्म्य तथा व्यास सूत्र इत्यादिक ग्रंथनु सद्गुरु थकी श्रवण करे तो ज्ञान उपजे। अने धर्म तो एम उपजे जो याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति पराशर स्मृति शंख लिखित स्मृति इत्यादि स्मृतिनु श्रवण करे तो धर्म उपजे ने तेमा निष्ठा आवे। अने भक्ति एम उपजे जे भगवानी जे विभूतियों छे तेने जाने। ते केम जाने? तो खंड खंड प्रत्ये भगवानी मूर्तियों जे रही छे तेनु श्रवण करे तथा भगवानना गोलोक वैकुंठ ब्रह्मपुर श्वेतद्वीपादिक धाम छे तेने सांभळे तथा जगतनी उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप जे भगवानी लीला तेने महात्म्य सहित सांभळे तथा राम कृष्णादिक जे भगवानना अवतार तेनी जे कथाओ तेने हेते सहित सांभळे तो भगवान ने विषे भक्ति उपजे। अने ये चार मा जे धर्म छे ते तो काची बुद्धि होय ने प्रथम ज कर्मकान रूप जे स्मृतिओ तेनु श्रवण करे तो उपजे। अने ज्यारे धर्म ने विषे दृढ़ता थाय त्यार पछी उपासनाना ग्रंथनु श्रवण करे त्यारे एने ज्ञान भक्ति वैराग्य ए त्रणे उपजे। एवी रीते ए चार ने उपजाना हेतु छे। इति वचनामृतम ए रीते लोया प्रकरणनु नवमु वचनामृत जेते थयुं। स्वामीनारायण हरे। स्वामीए वात करी जे निद्रा आवे तो सूई जवुं ने सुरंग उड़ाड़वानी वात करी ने कोई रीते शत्रु जीता एम न होय तो जेम टोपी वाले लड़ाई में धोड़ो दारू पाथरी ने सामानु लश्कर छड़थी मारी नाख्यू तेम आपने छड़ करवो ने मन ने जीतवू। स्वामीनारायण हरे। स्वामीए बात करी जे अनेक प्रकारना पापी जीव छे तेने समझावा एज भगवानो प्रताप छे। स्वामीनारायण हरे। स्वामीए बात करी जे मध्यनु 28મું वचनामृत वंचावी बात करी जे जीवमां भूल आवे पण अनेक जुक्ति थी तेने भगवानना मार्गमां राखवो पण पाड़ी नाखवो नहीं एज मोटानी मोटाई छे। ने आ वचनामृतमां महाराजे पोतानो स्वभाव कयो छे तेनो भाव पण आवो छे एवी घणी ज महिमानी वातो करी। स्वामीनारायण हरे। स्वामीए वात करी जे
भगवान ने भगवान ना भक्तनी सेवा ये बेमाज माल छे। स्वामीनारायण हरे स्वामीए वात करीजे, मुमुक्षु जीव ने ज्ञान पण थाय ने हेत पण थाय खरुं, पण सत्संग मां कुसंग छे ते एनु भूंडू करी नाखे छे, माटे ते ओळखवो। स्वामीनारायण हरे स्वामीए वात करीजे, बड़दियाने तंतीमां बांधे छे तेम जीव मात्रने तंतीमां बांधी लीधा छे, ते कोई क्रिया थाय ज नहीं ने छूटाय नहीं, ने तेमांथी छूट्यानो उपाय तो प्रगट भगवान अने तेना संगी ए बेज छे। स्वामीनारायण हरे स्वामीए वात करीजे, जूनागढ़मां जेटला छे तेटलाने फेरवी कूटीने गमे तेम करीने पण पासरा करीने पार मुकवा छे, तो तमारे तो शी फकर छे, केटला दिवस जीववू छे। स्वामीनारायण हरे स्वामीए वात करीजे, सुखी थावाना प्रकार एक तो कोई रीते करीने भगवानमां जोड़ाया होय तथा संतमां जोड़ाया होय तथा आत्मज्ञाने करीने इंद्रियो नियमा करी होय तथा भगवानना निश्चय सहित वैराग्य होय तथा सन्निवर्तिवाला जीव होय, ए पांच प्रकारथी सुखी रहेवाय माटे पोतानो तड़ तपासी जोवुं जे, एमांथी मारे कयुं अंग छे ते विचारी सुखी रहेवुं। स्वामीनारायण हरे स्वामीए वात करीजे, भगवानना अक्षरधाम सामी जे दृष्टि ए अलौकिक दृष्टि छे ने प्रकृतिनो कार्य ए लौकिक दृष्टि छे, तेमां भगवानो निश्चय ए खरेखरी अलौकिक दृष्टि छे। स्वामीनारायण हरे स्वामीए वात करीजे, संतमां जोड़ाणो होय तेनुं ए लक्षण छे जे तेनी अनुवृत्तिमां राजी रहे ने ते कहे तेटलुं ज काम करे, पण जास्ती करे नहीं, ने एवानी फकर तो संतने रहे, पछी तेनी ते पांच दिवसे महीने बे महीने के चार महीने खबर राख्या करे, ने खबर न राखे तो बगड़ी जाए, माटे खबर राखे, ने तमोगुणी ने तो कहीं सूझे नहीं, माटे तेने मोकड़ो मिलिए तो ठीक पड़े, ने मरोड़िए तो मुझाए।